नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लियोट्स स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड, अगर इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा है। तो क्या ऐसे में हमें अभी इसमें फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या फिर नहीं? क्या हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या फिर अभी नहीं? कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। अगर आज के क्लोजिंग की बात करें तो आप देखेंगे वो शेयर 1.80 रुपये पे जाके क्लोज हुआ है, जो कि इसका अपर सर्किट था। और पिछले कुछ टाइम से यह शेयर लगातार अपने अपर सर्किट पे ही चल रहा है। अगर 52 एक हाई और लो की बात करते हैं तो आप देखेंगे 55 पैसे का ये शेयर हुआ करता था, जो कि 28 मई 2020 को कंपनी ने अपना लो बनाया था। वहीं 52 एक हाई की बात करें, जो कि ये शेयर अपना रोज़ का 52 एक हाई लगाता ही जा रहा है। अगर वहीं डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 100% की डिलीवरी उठाई गई। क्वांटिटी की बात करते हैं तो 3,49,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। अगर और डिटेल की बात करें, अगर इनके रेवेन्यू की बात करते हैं तो आप देखेंगे इनका रेवेन्यू बढ़ा था, जो कि 2017 से 2018 के कंपेयर करते हैं तो काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो हुआ था। लेकिन उसके बाद वो रेवेन्यू कम हुआ और उसके बाद फिर बढ़ा, यानी कि कुछ खास इनका क्लियर कट नहीं दिख रहा कि यह कंपनी पर तेज़ी के साथ रेवेन्यू बढ़ा रहा है या घटा रहा है। कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। अगर वहीं प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट में भी लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा। 2017 में आप देखेंगे 0.89 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था, जबकि 2018 में 2.06 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया। 2019 में 2.89 करोड़ का प्रॉफिट बना और 2020 में 2.49 करोड़ का प्रॉफिट अगेन बना कंपनी का। कंपनी के ऑल टाइम चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे अभी तक इनका जो हाई है वो 4.07 रुपये का है, जो कि कंपनी ने बनाया था जनवरी 2018 में। और इस टाइम यह कंपनी आपको 2 रुपये के आसपास चलती हुई दिख रही है, यानी 1.80 रुपये पे। तो देख लेते हैं यहाँ से यह कंपनी और कितना ऊपर जाने वाली है। अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो आप देखेंगे 3 साल में 15%, 1 साल में 192% का डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 5 साल में -2%, जबकि 3 साल में 34%, TTM में आपको -33% का डिटेल देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं बात करते हैं इनके सेल ग्रोथ की तो आप देखेंगे 5 साल में -26, जबकि 3 साल में 15%, और TTM में आपको -23% का डिटेल देखने को मिलेगा। कंपनी के अगर 1 साल के रिटर्न की बात करते हो तो 250% का ऑलरेडी कंपनी ने रिटर्न दे दिया है, जबकि 1 महीने की बात करें तो 45% से ज़्यादा का रिटर्न ऑलरेडी यह कंपनी पेड कर चुकी है। तो देखते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर चार्ट की बात करें तो ये मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है, जिससे आपको और क्लियर डेटा दिखा सकूँ। दोस्तों, अगर कंपनी यहाँ से नीचे आती तो 1.51 रुपये के आसपास कंपनी आकर रुकने की कोशिश करेगा, जो कि इनका सपोर्ट है। लेकिन अगर कंपनी और ऊपर जाती है तो कहाँ तक जा सकती है, उसकी भी बात करते हैं। दोस्तों, अगर कंपनी यहाँ से और ऊपर जाती है तो 2.30 रुपये का पहला टारगेट बनेगा, और जैसे ही यह टारगेट टूटेगा उसके बाद आपको 2.75 रुपये का अगेन नेक्स्ट टारगेट बनते हुए दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह कंपनी पिछले कुछ टाइम से आप देखेंगे लगातार अपने अपर सर्किट पे ही चल रहा है, तो इसका मतलब ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जाहिर सी बात है, छोटी प्राइस है, यानी कि 1.80 रुपये का ये शेयर है। अगर कोई भी बंदा आता है 10 करोड़ रुपये लगाता है तो इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा मार्केट को मूव करा सकता है किसी भी डायरेक्शन में। अगर वो 10 करोड़ रुपये सेल में लगाता है तो जाहिर सी बात है यह कंपनी अपने डायरेक्ट लोअर सर्किट पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई बंदा इसमें बाई करता है तो ये शेयर अपने अपर सर्किट पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे शेयर्स में बहुत ही अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर शेयर में कहीं से भी, तो यहाँ से भी ये शेयर डायरेक्टली अपना ट्रेंड चेंज करके डाउन साइड में भी आना स्टार्ट कर सकता है कभी भी। हालांकि मेटल की अगर कंपनी की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है, उनके साथ साथ ये कंपनी भी चल रही है। लेकिन बीच बीच में मेरे ख्याल से आपको अपनी प्रॉफिट को भी सेव करना चाहिए। आप चाहे तो 50% प्रॉफिट की बुकिंग कर सकते हैं या फिर 50-50 चल सकते हैं। 50% कंटिन्यू करिए और 50% प्रॉफिट बुकिंग करिए, या फिर 30-70 का भी, यानी कि अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उस अकॉर्डिंग अपनी प्रॉफिट को आप सेव करिए। लेकिन सेव जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी अभी अपर सर्किट चल रही है और जैसे यहाँ से मूव करेगा वो लोअर सर्किट पे गिरना स्टार्ट होगा और काफ़ी ज़्यादा नीचे तक आ सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर नीचे की बात करें तो 1.50 रुपये का पहला सपोर्ट बनता है, 1.45 रुपये का अगेन सपोर्ट बनता है। लेकिन आपको निकलने का मौका कहाँ मिलेगा, क्योंकि लोअर सर्किट लगना स्टार्ट होगा तो हर कोई बेचेगा। अगर एक दिन अगर लोअर सर्किट लग जाए तो आप देखेंगे सारा का सारा माल बिकता हुआ ही आपको दिखेगा, कोई खरीदार यानी कोई बायर ही नहीं दिखेगा। तो ऐसे शेयर्स में थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और अवेयरनेस कैसे होगा, धीरे धीरे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। यानी कि ये शेयर अगर आपने यहाँ बाई किया तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी आपको दे चुका है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट तो अपनी सेव करिए। यहीं को तो 30%, 20%
40% 50% अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उस अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुकिंग करिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपने हिसाब से भी चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे ये शेयर बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है, और इससे पहले जब ओवरबॉट हुआ था तो कंपनी में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली थी और यह कंपनी काफ़ी ज़्यादा नीचे तक भी आई थी। तो कंपनी फिर से अगेन ओवरबॉट में चल रही है, इसका मतलब है कि आगे चल के जैसे ये ट्रेंड चेंज करता है उसके बाद इसमें लगातार भारी गिरावट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।